नमस्कार। पीवी सिंधु आज देश की स्टार बन चुकी हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पीवी सिंधु को सुपरस्टार बनाने के पीछे का किरदार कोई और है। जिस तरह कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। पीवी सिंधु की सफलता के पीछे एक पुरुष है, नाम है पुलेला गोपीचंद। सिंधु की जीत सिर्फ एक बैडमिंटन प्लेयर की जीत नहीं थी, बल्कि देश और पुलेला गोपीचंद के सपनों की जीत थी। ऐसा सपना जो साल 2000 में अधूरा रह गया था। सिंधु की जीत गोपीचंद के सालों के उस अधूरे बिखरी हसरतों के पूरा होने का दिन था, जिससे उन्होंने देश और परिवार के लिए देखा था। बचपन से ही पुलेला गोपीचंद के प्रेरक थे प्रकाश पादुकोण, जिन्हें आज के लोग उनके नाम से कम और उनकी बेटी दीपिका पादुकोण के नाम से ज्यादा जानते हैं। पुलेला गोपीचंद की कहानी मुफलिसी से शुरू होती है। एक मिडिल क्लास परिवार की ये कहानी है और गोपीचंद उसके किरदार हैं, जिसने उधार के रैकेट से बैडमिंटन खरीदा और खेलना शुरू किया। उन्होंने इस खेल को अपनी धड़कन तभी बना ली जब इस खेल में ना तो ग्लैमर था और ना ही पैसा। बमुश्किल गोपीचंद का परिवार उनके लिए खेलने की खातिर पैसे इकट्ठा करता था, जिससे वो इस खेल को अपना करियर बना सकें। लेकिन इस काम में हजारों रुकावटें होती थी। पैसे इकट्ठा करना आसान काम नहीं होता, कोई ऐसे मदद भी नहीं करता था, बार बार मदद की उम्मीदें टूटती जाती थी। यहां तक कि खेल स्टेडियम तक पहुंचने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। मिडिल क्लास फैमिली के इस लड़के को परिवार ने पहली बार अपने पैसे से विदेश भेजा खेलने के लिए, तो उसके लिए भी दूसरों की मदद से पैसे इकट्ठे करने पड़े थे। धीरे धीरे ऐसे हालातों का सामना करते हुए पुलेला गोपीचंद की मुलाकात हुई उनके आदर्श, उनके गुरु, नाम था प्रकाश पादुकोण। बस यहीं से गोपीचंद की जिंदगी पांचवें गियर में आ गई। प्रकाश पादुकोण ने गोपीचंद को ट्रेनिंग देना शुरू किया और प्रकाश पादुकोण के शरण में आते ही पुलेला गोपीचंद के कामयाबी का सिलसिला भी शुरू हो गया। इतिहास के पन्नों को जब आप उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा पुलेला गोपीचंद ने दुनिया के हर बैडमिंटन प्लेयर को शिकस्त दी। याद रखिए, हर बैडमिंटन प्लेयर को शिकस्त दी, इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त के टॉप बैडमिंटन प्लेयर भी पुलेला गोपीचंद से हार चुके थे। कोई उनके तेज से बच नहीं पाया। गोपीचंद अच्छा खेल रहे थे और जब कोई खिलाड़ी अच्छा खेले तो जाहिर सी बात है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना उसका सबसे बड़ा सपना बन जाता है। गोपीचंद ने भी एक सपना देखा था, बैडमिंटन में देश के लिए गोल्ड जीतने का सपना। वो साल था 2000, वो सिडनी ओलंपिक में बहुत नजदीक पहुंचकर भी हार गए। लेकिन पुलेला गोपीचंद ने देश से एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि एक ना एक दिन वो देश को गोल्ड मेडल दिलवा कर रहेंगे। इसलिए जो वो खुद नहीं कर पाए, उन्होंने अगली पीढ़ी से ये करवाने की ठान ली। फिर उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सेंटर खोलने का फैसला किया, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अब ये पैसे आते कहां से? क्योंकि जब गोपीचंद का करियर आसमान की बुलंदियां हासिल कर रहा था, तो गोपीचंद ने सिर्फ अपने बैडमिंटन और अपने खेल पर अपना फोकस बनाए रखा, ना कि किसी तड़कते भड़कते विज्ञापनों से मोटी कमाई पर उनकी नजर गई, ना ही ये उनकी ख्वाहिश थी। गोपीचंद जब सुपरस्टार थे तब कोका कोला ने उन्हें लाखों रुपए से खरीदने की कोशिश की, लेकिन गोपीचंद बिके नहीं, डिगे नहीं। कोका कोला के प्रोडक्ट को सिर्फ पैसों के लिए बेचने से उन्होंने इनकार कर दिया और करोड़ों गवा बैठे। करोड़ों के ऑफर भी गोपीचंद की खेल भावना और बैडमिंटन के प्रति उनके समर्पण को डिगा नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि गोपीचंद ने अपने घर को गिरवी रख दिया और उससे मिले पैसों से उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया। उनकी स्टूडेंट थी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने उनकी देखरेख में ट्रेनिंग लेकर लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया। उनकी इसी ट्रेनिंग सेंटर में एक और स्टूडेंट थी पीवी सिंधु। इसी ट्रेनिंग सेंटर में सबको एक समान अहमियत मिलती थी। पहले साइना नेहवाल पुलेला गोपीचंद के सेंटर से रॉक स्टार बनी, फिर दौर पीवी सिंधु का आया, आज दौर पीवी सिंधु का है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि साइना नेहवाल को लगा गोपीचंद उन पर कम फोकस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने गोपीचंद के ट्रेनिंग सेंटर को छोड़ दिया। ऐसे में पीवी सिंधु ही गोपीचंद की आखिरी उम्मीद रह गई। हफ्तों हफ्तों तक पुलेला गोपीचंद पीवी सिंधु को ट्रेनिंग देते रहे, यहां तक कि वो एक कठोर टीचर की तरह पीवी सिंधु का मोबाइल फोन तक जब्त कर लेते थे, और वो भी महीनों तक। पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन टाइटल में गोल्ड मेडल झटक कर उनका ये आधा सपना पूरा कर दिया। लेकिन पीवी सिंधु से उम्मीद है कि ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल लाने का जो सपना पुलेला गोपीचंद और देश ने देखा है, एक दिन वो उसे जरूर पूरा करेंगे।